ब्राइट फर्म, कितना ब्राइट है इसका फ्यूचर, एक ऐसा स्टॉक जिसकी कंपनी पर एक रुपए का भी कर्ज नहीं है, और तो और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व मौजूद है। वहीं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखें या फिर बाय ऑन बाय बेसिस पर देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स बेहद शानदार रहे हैं। उसके बावजूद ब्राइट कॉम के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है, निवेशकों में ज़बरदस्त कंफ्यूजन और डर का माहौल क्यों है? वहीं दूसरी ओर FIIs उल्टी गंगा बहा रहे हैं और जमकर इस शेयर में खरीदारी कर रहे हैं। एक तरफ बुल्स इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है फिर से 108 के लेवल पर पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर बियर्स की माने तो शेयर में अभी भी असली गिरावट आनी बाकी है और ये शेयर 10 रुपये के नीचे जा सकता है। ऐसे में निवेशक क्या करें, ठहरे, रुके या निकले? इस स्टॉक पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और क्या इस पैनी स्टॉक में फिर वापस मल्टीबैगर बनने का दम है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि स्टॉक के फाइनेंशियल्स आखिर कहते क्या हैं। कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ें और समझें तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी पर एक रुपये का भी कर्ज नहीं है। कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो ब्राइटकॉम ग्रुप के पास करीब 6000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके रिजर्व की बात की जाए तो इस कंपनी के पास 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिजर्व है। अगर प्रमोटर की बात की जाए तो इस कंपनी में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो करीब 18% होल्डिंग है, लेकिन ये पहले करीब 40% की थी तो अब करीब घट गई है, अब करीब 18% रह गई है। वहीं स्टॉक की चाल की बात करें, उस पर नज़र डालें तो 2-3 दिनों में स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखी गई है, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों में देखें तो इस शेयर में करीब 14% की गिरावट देखी गई है। एक महीने में 28% तक नेगेटिव रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। वहीं 6 महीने में 55% तक गिर चुका है ये स्टॉक, और वहीं एक साल पीछे जाएं तो करीब 83% तक स्टॉक पे गिरावट नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। लेकिन अगर आप 5 साल के नज़रिया देखेंगे तो इसने करीब 512% का दमदार रिटर्न दिया है, और यही वजह है कि जो निवेशक हैं इसको लेकर बुलिश है कि उनको उम्मीद है कि फिर से एक बार ये दमदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन क्या सही मायनों में ये वापस उस तरीके से दौड़ेगा, चलिए जवाब ढूंढते हैं। अब इसके अपने रिजल्ट्स के अपने हम देख लिए, इसके फाइनेंशियल इसके रिजल्ट्स को भी एक बार नज़र डालते हैं ताकि सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो दिसंबर क्वार्टर में सेल्स की बात की जाए वाई ऑन वाई बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पर, तो उसने शानदार ग्रोथ दी है। करीब जो इसकी सेल्स है वो 2,865 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। प्रॉफिट जो है 66% बढ़कर करीब 544 करोड़ रहा है। वहीं 42% की बढ़ोतरी के साथ 2,865 करोड़ रुपये का इसका रेवेन्यू रहा है। यानी कि हर लिहाज से इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत शानदार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें गिरावट क्यों है, आइए जानते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना बहुत जरूरी होता है कि आखिर पैसा आ रहा है तो जा रहा है, कहाँ जाता है, इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं मिल रहा है, कंपनी के पास ऐसी कुछ चीजें नहीं है कि फिक्स एसेट्स में कंपनी उन पैसों को जो है लगाती हो, क्योंकि फिक्स एसेट भी अगर देख लेंगे तो 900 करोड़ के करीब ही है उनका। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो में कहीं ना कहीं संदेह होता है कि कंपनी पे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर होंगी, जिसके कारण कि यहाँ पर कंपनी उधार भी काफी दिया है इन्होंने अपने बैलेंस शीट पे, कंपनियां लेती हैं उधार, इन्होंने दिए हैं किसी को उधार। अब ये चीजें कि कंपनी जो काम कर रही है उधार करने के लिए काम कर रही है या फिर मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और कैश जो PNL में दिखता है वो ठीक से मूव होके या उसका पूरा बेनिफिट्स चलें कि शेयर होल्डर्स को मिलता नहीं होगा, इसके कारण ये चीज है। और डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है डिविडेंड इनके, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है कैश फ्लो के लिहाज से, ऐसा लगता है। तो संतोष जी ने एक तो प्रॉब्लम बता दी कि कैश फ्लो की दिक्कत है, वही दूसरी और जो बड़ी वजह है वह प्रमोटर्स ने 40% की हिस्सेदारी घटाकर 18% कर दी है। जहाँ निवेशक टेंशन में बिकवाली कर रहे हैं वहीं FIIs जो है वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है आइए वो भी समझ लेते हैं। FII खरीदारी क्यों कर रहे हैं ये तो वही बता सकेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज हम लोग देखते हैं कि जो प्रमोटर है उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी में वो घटना नहीं चाहिए। अगर वो घट रहा है कहीं ना कहीं से तो वो एक दिक्कत की चीज हो सकती है, क्योंकि जो बिजनेस के बारे में जो सबसे ज्यादा जानते हैं वो प्रमोटर ही है, क्योंकि दे आर ऑन टू द ड्राइवर सीट। और अगर ड्राइवर को गाड़ी चला रहा है, अगर कोई ड्राइवर अगर उसको कहीं इंजन में खराब है, चक्के में कोई प्रॉब्लम है, फ्यूल का कोई इश्यू है, तो वो सबसे पहले ही विल कम टू नो कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी चीजें हैं तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लोग अपने शेयर्स को बेचते हैं, या ये पर्टिकुलर उनको आके बताना चाहिए कि हमने क्यों किया। तो मुझे लगता है कि ये एक क्वेश्चन मार्क है कि इतना अच्छा कैश जनरेट करता हुआ जो कि दिखता है इनके इनकम स्टेटमेंट में, उसके बावजूद भी अगर प्रमोटर बेच रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज जरूर है इस कंपनी में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि निवेशक क्या करे, आखिर क्या ये पैनी स्टॉक वापस मल्टीबैगर रिटर्न देगा?
क्या इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तो चलिए ये भी जानते हैं जवाब एक्सपर्ट से। देखिए मुझे लगता है कि जहां पर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर पहली चीज है कि आपको अपने प्राइस को वेट कर लें, निकलने की कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी कम से कम लॉस में निकलना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स हेवे हैं। तो एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसी कंपनियों में कि आप एनी राइज वहां पर आपको बेचें, बेच के निकल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए उतने अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि निकलना है। अब जाते जाते ब्राइटकॉम का बिजनेस मॉडल भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं जानते। ये कंपनी जो है वो मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी है। इसकी करीब 22 देशों में मौजूदगी है। इसके ग्राहक भी बड़े बड़े हैं, एयरटेल हो गए, ब्रिटिश एयरवेज हो गए, कोको कोला हो गए, होंडा, आईसीआईसी बैंक हो गए, मारुति सुजुकी हो गई, इस तरह के इसके क्लाइंट्स हैं। वहीं दूसरी ओर सेबी ने कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसका डाटा के लिए फॉरेंसिक ऑडिट की आदेश दे चुके, क्योंकि इसमें कुछ सेबी को ने जांच के आदेश दिए कि इनको कुछ डाटा में जो है उसमें कहीं उनको धांधली नज़र आ रही है, कुछ उसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ उसमें छेड़खानी नज़र आ रही है, तो उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए। और इसी यही जो है सबसे बड़ी चिंता का विषय है निवेशकों के लिए, और इसी से तय होगा कि आने वाले दिनों में शेयर की दशा और दिशा क्या रहेगी। तो कैसे लगा आपको हमारा विश्लेषण, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक शेयर पे वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आखिरी में हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जब भी आप किसी शेयर में ख़रीदारी करें तो खुद से रिसर्च करें और अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय पर ही उससे आगे करके अपने अगला कदम उठाएं, जो भी आप ख़रीदारी करना चाहते हैं, जो भी शेयर से जुड़ा ख़रीदारी करना चाहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।